वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। SCS सॉफ्टवेयर के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं जो रिजल्ट है प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, उसका शेयर प्राइस में आगे इंपैक्ट क्या देखने मिलेगा, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये 5% का सर्किट फिल्टर है स्टॉक का, प्लस ये सर्वेलेंस में स्टॉक है। जैसे ये स्टॉक सर्वेलेंस से बाहर निकलता है, इसमें और तेजी से हमें ऊपर बढ़ते हुए ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पे जो भी आपको आंकड़े देखने मिलेंगे वो सब लाख में होंगे, तो देखते हैं कि इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इस क्वार्टर में 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का हुआ था और एक साल पहले 7 करोड़ का हुआ था। यानी रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर में 9 करोड़ का एक्सपेंस खर्च हुआ है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का हुआ था और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ का हुआ था। यानी एक्सपेंस कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा खर्च किया, लेकिन साल दर साल भी कंपनी ने एक्सपेंस उतना ज्यादा खर्च नहीं किया है। अब बात करते हैं पीबीटी, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे 2 लाख का लॉस देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 1,37,000 का लॉस था और एक साल पहले 16 करोड़ का लॉस था। यानी कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1 लाख का लॉस हुआ था और इस क्वार्टर में 2 लाख का लॉस हुआ है। एक साल पहले 16 करोड़ का लॉस हुआ था लेकिन इस बार 2 लाख का लॉस हुआ, इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी ठीक कह सकते हैं आप। बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस फॉर दिस पीरियड। तो इस क्वार्टर में 31 लाख का लॉस देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 5 लाख का लॉस था और एक साल पहले 15 करोड़ का लॉस था। यानी लॉस क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे बढ़ चुका है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी रिजल्ट ठीक देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे 0.002 अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 0.000 था और एक साल पहले 0.092 है। यानी अर्निंग पर शेयर यहाँ पर खराब होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले उतना माइनस नहीं था जितना अब है, अब ज्यादा माइनस हो चुका है। और साल दर साल अगर हम देखेंगे तो साल दर साल की तुलना में भी यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस ठीक होते हुए देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमने देखा तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन साल दर साल की तुलना में यहाँ पे ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि जितना लॉस एक साल पहले हुआ था उतना इस क्वार्टर में लॉस नहीं हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा निराश किया है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखिएगा समझिएगा वहां पे कि आगे क्या हो सकता है और गिरावट होगी या नहीं, वो आपको पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए चेक करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट। यहाँ पे जो आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे वो सब लाख में होंगे। तो यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं नेट सेल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे 10 करोड़ का नेट सेल्स आया है, पिछले क्वार्टर में देखेंगे 8 करोड़ का आया था और एक साल पहले देखेंगे तो 6 करोड़ का। तो जो नेट सेल्स है या फिर उसे आप कह सकते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो बढ़ चुका है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। और हम बात करें रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर में 10 करोड़ का रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का था और एक साल पहले 7 करोड़ का था। यानी रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे बढ़ चुका है। और अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 29 लाख का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर में 19,000 का लॉस था और एक साल पहले 14 करोड़ का लॉस था। यानी जो कंपनी का परफॉर्मेंस है स्टैंड लोन में वो भी हमें क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल की तुलना में यहाँ पे आप ठीक कह सकते हैं। तो हमने स्टैंड लोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट देख लिया और दोनों में ये देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है, साल दर साल की तुलना में ठीक ठाक कह सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट में चलते हैं और समझते हैं आगे स्टॉक में क्या लेवल देखने को मिल सकता है। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे, जैसा कि देख सकते हैं 8.35 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्टॉक गया था मैक्सिमम, उसके बाद फिर लगातार इसमें गिरावट चल रही है। तो ऑलरेडी इतने लेवल से इतने लेवल तक गिरावट हो चुकी है, अब इसमें और गिरावट कंटिन्यू रहे ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका RSI इंडेक्स भी काफी नीचे आ चुका है, 45 तक अभी चल रहा है और आज के दिन इसमें अपर सर्किट लगा है। लेकिन 3.25 रुपए और 3.70 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है ये लेवल ब्रेक होना, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो स्टॉक हमें और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ जितना जल्दी हो सके ये स्टॉक 3.70 रुपए के ऊपर आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, उसके बाद ये स्टॉक 8 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन ये दोनों लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी जो स्टॉक हमें आगे रैली दिखा सकता है ये पूरे का पूरा ये आपको कौन बता सकता है, केवल ऑपरेटर ही यहाँ पर ये बता सकते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक वो लेके जाना चाहते हैं। अगर वो लेके स्टॉक ऊपर जाना चाहेंगे तो वो इस लेवल पे भी ऊपर लेके जा सकते हैं जब कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे लोग कुछ सोचते हैं कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया तो उसका मतलब क्या स्टॉक ऊपर जाता ही जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से 2 दिन असर रहता है किसी कंपनी के रिजल्ट का, उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जब किसी भी स्टॉक में लगातार अपसाइड की रैली देखने को मिलती है, लगातार उसमें सर्किट लगता है, जैसे यहाँ पे लगा था, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑपरेटर।
तो ऑपरेटर जब आएंगे ऊपर के लेवल पे जाएगा, भले रिजल्ट अच्छा आए या ना आए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अमाउंट होता है, बहुत सारा पैसा होता है जो कि वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगाते हैं, बहुत सारे शेयर्स बाय करते हैं और वो ऊपर की ओर ले जाते हैं स्टॉक को। तो जब उनको लगता है कि काफी ज्यादा उन्होंने ऊपर के लेवल पे स्टॉक को ले आए हैं, तो वो सेल कर देते हैं और फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यही काम करने का तरीका होता है ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटर आते हैं तो ये बहुत जल्दी 8 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस ये दोनों लेवल जो कि मैंने आपको बताया 3.25 रुपए का और 3.70 रुपए का ब्रेक होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।